हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहास किचन। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी रोस्टिप नोज़ल यूज़ करके। आज मैंने यहाँ पे दो नोज़ल यूज़ किया है, तो मेरा फर्स्ट नोज़ल है ये। मैं इसका पिक इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप क्लियरली देख सकें कि मैंने कौन सा नोज़ल लिया है। इसका एक पॉइंट थोड़ा बड़ा होता है, एक पॉइंट थोड़ा पतला होता है। फर्स्ट हम अपने फ्लावर नेल में ज़िगज़ैग पैटर्न बना लेंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाएंगे। एंड देन इसमें पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने के लिए ब्रॉड पॉइंट नीचे और नैरो पॉइंट ऊपर होगा। एंड देन उल्टा सी बनाना है हमें, उल्टा सी जैसे कि नीचे से लेके ऊपर एंड देन फिर नीचे लेके आना है। एक ही बार में करना है, नीचे से ऊपर ले जाके फिर नीचे लेके आना है। जैसे हम सी बनाते हैं वैसे नीचे से ऊपर एंड देन नीचे। एंड नेक्स्ट पेटल थोड़ा पीछे से बनाना है, जहाँ एंड हुआ वहाँ नहीं, उसके थोड़े पीछे से। इसी प्रोसेस से हमें सारा पेटल बनाना है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एंड देन कलर अपने हिसाब से जो आपको कलर बनाना है वो भी डाल सकते हैं। कलर डालना है तो फ्लावर बनाने से पहले डालिए, मिक्स कीजिए, देन फिर फ्लावर बनाइए। एंड देन स्प्रे कलर यूज़ करना है तो वो बनने के बाद स्प्रे होगा। ये बन गया है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। एंड देन मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी, तो वहाँ पहले मैं क्रीम थोड़ा सा डाल लूँगी एंड उसके ऊपर प्लेस करूँगी। इससे हमारा फ्लावर थोड़ा खुला खुला सा लगता है। देन सेम बना रही हूँ मैं, ज़िगज़ैग पैटर्न बनाऊँगी एंड देन उल्टा सीम नीचे से लेके ऊपर जाएंगे फिर नीचे लेके आएंगे। ब्रॉड पॉइंट नीचे एंड नैरो पॉइंट ऊपर होगा पेटल्स बनाने के लिए। ब्रॉड पॉइंट ऊपर रखेंगे तो पेटल्स अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ही मोटा मोटा सा बनेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। एंड नेक्स्ट पेटल थोड़ा पीछे से बनाएंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम सारा पेटल्स बनाएंगे, उल्टा सी नीचे से ऊपर देन नीचे। अगर आप केक डेकोरेट कर रहे ऐसा फ्लावर बनाते हैं, अगर आप ये फ्लावर से पूरा केक डेकोरेट करते हो तो फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा रखिएगा। एंड देन आप एक या दो फ्लावर्स यूज़ करना चाहते हो उस टाइप का, तो फ्लावर्स थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बस आप पेटल्स, आपको जितना बड़ा है बनाना है वैसे पेटल्स बनाते रहिए, साइज़ अपने आप बड़ा हो जाएगा। देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं इसे भी प्लेस कर लूँगी। प्लेस करने से पहले सेम वो क्रीम थोड़ा डाल लूँगी देन उसके ऊपर ही प्लेस करूँगी। मैं यहाँ फॉक यूज़ कर रही हूँ यहाँ वहाँ मतलब रिमूव करके प्लेस करने में। आप सीज़र भी यूज़ कर सकते हो। अगर बाय चांस आपका फ्लावर नहीं निकल रहे हैं फॉक से, तो आप किसी चीज़ की हेल्प से उठा के देन उसे रिमूव कर लीजिए। देन मैं दूसरा फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। हमें राउंड जैसा बनाएंगे, अपना हैंड को अपनी जगह में ही रखना है, फ्लावर नेल को घुमाना है एक के ऊपर एक, तीन लेयर बनाएंगे। हैंड सेम जगह होगा, फ्लावर नेल को घुमाना है। आप अच्छे से देख लीजिए ये वाला। एंड देन हैंड अपना जिससे आप पेटल्स बना रहे हो हैंड वो स्ट्रेट रखना है। एंड देन आपको नीचे से ऊपर ले जाके छोड़ देना है, इसे नीचे से ऊपर लेके जाना है। नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर, एंड सेम पॉइंट ब्रॉड जो है वो नीचे होगा, नैरो पॉइंट ऊपर होगा। एंड देन पेटल्स आपको नीचे से लेके ऊपर ले जाके छोड़ देना है, वापस नीचे नहीं लाना है, बस नीचे से ऊपर, नीचे से स्टार्ट कीजिए ऊपर लाके छोड़ दीजिए। स्ट्रेट लाइन ही करना है, बस नीचे से ऊपर में थोड़ा टेढ़ा करके हॉरिजॉन्टल वे में, एकदम स्ट्रेट वे में नहीं। आपको सिर्फ अपना उसको फ्लावर नेल को घुमाना है, हैंड को बिल्कुल नहीं घुमाना है। एंड से प्लेस कर लूँगी मैं। मैं एक और ऐसा बना के दिखा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं इसमें बनाऊंगी फर्स्ट राउंड जैसा बनाऊंगी, एक के ऊपर एक तीन लेयर बनाऊंगी। ये मेरा थर्ड है एंड देन हो गया है ये। एंड देन पेटल्स बनाने के लिए नीचे से स्टार्ट करके थोड़ा टेढ़ा करके ऊपर ले जाके छोड़ दूंगी। नीचे से स्टार्ट करेंगे एंड देन थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। ऐसे करते करते हमें अपना सारा पेटल्स बनाना है।
नीचे से स्टार्ट करना है एंड देन ऊपर जाके छोड़ देना है। इसमें आपको अपने हैंड को हिलाना नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट एक नीचे से ऊपर तक लाइन लेके जाना है। आप ये लाइन अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा कर सकते हो, बहुत बड़ा भी नहीं बनाइए, मतलब थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा कर सकते हो एंड फ्लावर का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। फ्लावर्स बनाने के लिए आपको मेन क्रीम अच्छे से व्हिप करना होगा। मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो शायद उसमें आपको अच्छे से क्रीम व्हिप करना सिखाया था एंड देन वहाँ पे मैंने बेसिक नोज़ल यूज़ करना सिखाया था, लाइक जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं नोज़ल्स, उस नोज़ल से डिज़ाइन बनाना सिखाया था। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे व्हिप करने का भी आइडिया हो जाएगा कि क्रीम कैसे व्हिप करना है, कितना देर तक करना है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड देन ये दूसरा नोज़ल है, ये भी एक पॉइंट ब्रॉड है एक पॉइंट नैरो है, बट बीच से थोड़ा दबा हुआ है। वो पहले वाला पूरा स्ट्रेट था, ये बीच से दबा हुआ है। इसे फर्स्ट हम ज़िगज़ैग बना लेंगे एंड देन पेटल्स बनाने के लिए ब्रॉड पॉइंट नीचे एंड देन नैरो पॉइंट ऊपर होगा एंड देन इसके पेटल्स बनाने के लिए हमें हैंड को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, इसमें सीधा लेके जाना है। ऐसे ही करते करते हमें सारा पेटल्स बनाना है, स्ट्रेट लाइन एकदम। आप फर्स्ट से स्टार्ट करते करते जब लास्ट में आएगा तो ये फ्लावर्स का पेटल थोड़ा नीचे खुला सा बनेगा, ये पहले वाले में पूरा एक जैसा मतलब ऊपर तरफ बनता था, ये नीचे तरफ बनेगा क्योंकि इसके पेटल्स हम सीधा बना रहे हैं एंड देन इसका नोज़ल भी थोड़ा अलग है, इसलिए ये वाला देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला फ्लावर, क्योंकि जब इसका लास्ट पेटल्स बनता है तो ये पूरा एकदम खुला हुआ सा बनता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। एंड देन मैं सेम एक और ऐसा बनाऊंगी, फर्स्ट ज़िगज़ैग बनाऊंगी एंड देन पेटल्स बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचे, सीधा लेके जाना है, हैंड को ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। नोज़ल को थोड़ा सा मतलब अपना हैंड को थोड़ा हिलाना पड़ेगा आपको एंड देन नेल को भी घुमाना है। फ्लावर बनाने के लिए आपको नेल को एकदम घुमाते रहना है, ऐसे नेल नहीं घुमाएंगे तो ये फ्लावर्स का पेटल्स भी अच्छा नहीं बनेगा। एंड देन फ्लावर का साइज़ अपने अकॉर्डिंग तो चेंज कर सकते हो, देखिए ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं इसे भी अभी प्लेस कर लूँगी। मैं सेम इसी नोज़ल से एक और फ्लावर बनाना सिखाऊंगी और वो लास्ट फ्लावर होगा। मैंने टोटल यहाँ पे फोर डिफरेंट फ्लावर्स बनाना सिखाए हैं। अब लास्ट वाला है, ये सेम नोज़ल से बना रही हूँ। इसमें क्या करना है, हमें पहले ज़िगज़ैग बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, एकदम तीन चार बार बस करना है एंड देन इसे हमें कवर करना है, लाइक एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरे तरफ लेके छोड़ देना है, हर जगह से हमें इसे कवर करना है एंड देन उसके बाद पेटल्स बनाना है। हमें एक तरफ से ले जाना है, दूसरी तरफ ले जाके छोड़ना है कवर करने के लिए एंड पेटल्स बनाने के लिए सेम प्रोसेस जो पहले वाले में बनाया था, स्ट्रेट लाइन जैसा हर तरफ स्ट्रेट लाइन बनाइए एंड देन पेटल्स बन जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रेट करके आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग बना लेना है। देखिए ये हो चुका है, अब मैं इसे प्लेस कर दूंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सामने ही बेल बटन है प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।